आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। ये है इंडिया के भाई टॉप 10 मेगा प्रोडक्ट्स ऑफ 2026 तक या 24-25-26 में जो बनने जा रहे हैं उस पर ये भाई बात करने वाला। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में। हमारे यहाँ तो प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं है, पैसे नहीं है भाई, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। खैर इंडिया के तो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतने तेजी से ग्रो होने में जिस चीज ने खास भूमिका निभाई है वो क्या है। तो आपको बता दें, वैसे तो भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस चीज ने भारत को बूस्ट किया है वो है भारत में विकास, क्योंकि वो विकास ही है जिसकी वजह से आज भारत में सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। बात चाहे अच्छे रोड्स की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो, या फिर नई तकनीक डेवलप करने की, आज भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज यानी कि अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, जहाँ 12 जनवरी साल 2024 में भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, वहीं 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड यानी कि मुंबई कोस्टल रोड भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिनके पूरा होते ही भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत में फ्रेट ट्रेनों की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है और इनकी जो माल रखने की कैपेसिटी है वो भी काफी कम है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस किया है, जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं और जो कॉरिडोर पहले से मौजूद हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ ही जो फ्रेट ट्रेनें हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत दो कॉरिडोर पर वर्क चल रहा है, जिसमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जबकि दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा कुछ प्रपोज्ड कॉरिडोर है जैसे कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, पालघर से दानकुनी तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, राजघाट सवान से अंडल तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 और विजयवाड़ा से दारसी तक नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। फिलहाल दो कॉरिडोर पर वर्तमान में वर्क जारी है, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी पर एंड होता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगा। ये दोनों कॉरिडोर कुल मिलाकर 3381 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे, जिन्हें दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्लान है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर इन फ्रेट कॉरिडोर की लागत 1,24,000 करोड़ बताई जा रही है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही भारत में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर टाउन में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर कनेक्टिविटी होने के चलते भारत का बेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है और इसे दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए यहां पर जेवर एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें 25 नवंबर साल 2021 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी, जहां टोटल 6 रनवे बनाए जा रहे हैं और इसी की वजह से ये एयरपोर्ट रनवे के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। फिलहाल इसका फेज 1 कंप्लीट किया जा रहा है, जहां टर्मिनल 1 बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कार्गो फैसिलिटी, रनवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए स्टेशन का निर्माण पर करीब 10,056 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस फेज 1 के तहत प्रोजेक्ट साइट 12,334 हेक्टेयर का एरिया कवर करेगी और इस फेज का कंस्ट्रक्शन साल 2024 में कंप्लीट किया जाना है। और जब ये फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट से 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा, जबकि एयरपोर्ट के दूसरे फेजेस कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा।
बात करें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की तो ये एयरपोर्ट काफी सारे एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, साथ ही नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से भी इसे कनेक्ट करने का प्लान है। इसके अलावा भारत की पहली पोर्ट टैक्सी द्वारा इसे नोएडा फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा और एयरपोर्ट को दिल्ली के आइडियल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक रैपिड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है और इसी की वजह से नोएडा एयरपोर्ट भारत का बेस्ट कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो इस एयरपोर्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 8, वंदे मेट्रो। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही इस साल वंदे मेट्रो भी भारत में शुरू की जानी है। आपको बता दें जब भारत में मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था तब वंदे भारत की स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो चलाने का भी प्लान बनाया गया था और इसी के चलते साल 2024 में वंदे मेट्रो को ऑपरेशनल किया जाना है। इस मेट्रो के बारे में आपको बता दें ये मेट्रो भारतीय रेलवे द्वारा एक प्रपोज सर्विस है जो लगभग 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन के रूप में काम करेगी। इन मेट्रो ट्रेनों में 16 एयर कंडीशन कोच होंगे जो 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकते हैं और इसके हर एक कोच में 280 पैसेंजर तक आ सकते हैं। अगर हम इस मेट्रो कोच में मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो इन कोचों में ऑटोमेटिक प्लग डोर्स, टच फ्री डोर्स, पैसेंजर टॉक बैक सिस्टम, व्हीलचेयर एक्सेसिबल लेबोरेटरीज, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स लगे होंगे। साथ ही सेफ्टी के लिहाज से भारत की कवच सिस्टम फैसिलिटी भी इस मेट्रो में आपको मिल जाएगी। इन वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने का मकसद भारत में इंटरसिटी यात्रा के लिए पैसेंजर कंफर्ट, सेफ्टी और पहुंच में सुधार करना है। फिलहाल इन मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल रन जुलाई महीने में शुरू करने का प्लान है और इसके बाद वंदे मेट्रो को कभी भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और इसके जो शुरुआती प्रपोज रूट हैं उनमें लखनऊ कानपुर, आगरा मथुरा और तिरुपति चेन्नई प्रपोज रूट हैं। अगर आप भी इन शहरों में से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 7, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों रेल और रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के साथ ही भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है जिसके लिए नए नए स्टेडियम भारत में बनाए जा रहे हैं। जहां भारत में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, चेन्नई का चेपक स्टेडियम और बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम जैसे कई शानदार स्टेडियम मौजूद हैं, वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो जयपुर का नया इंटरनेशनल स्टेडियम है। यह स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने जा रहा है जिसकी कुल दर्शक क्षमता 75,000 है। यह स्टेडियम जयपुर के चौम विलेज में करीब 100 एकड़ लैंड में डेवलप किया जा रहा है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया डेवलप किया जाएगा। स्टेडियम की खास बात यह है कि इस स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की मदद से आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। फिलहाल इस स्टेडियम का निर्माण अलग अलग फेजेस में किया जा रहा है जहाँ इसके पहले फेज में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका पहला फेज कम्प्लीट होने के बाद स्टेडियम की दर्शक क्षमता 40,000 होगी जबकि पूरी तरह से कम्प्लीट होने के बाद इस स्टेडियम में 75,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। अगर हम स्टेडियम की खास बातों पर गौर करें तो इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और एक क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। इसके साथ ही हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। कुछ इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। स्टेडियम के साथ ही भारत में फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बनाई जा रही है जो हरियाणा में मानेसर के पास करीब 1000 एकड़ लैंड में बनाई जाएगी। सिटी की खास बात यह है कि सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ये सिटी भारत में टाउनशिप डेवलपमेंट को बूस्ट करेगी। इस सिटी में जहां एक तरफ ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल टावर, हॉस्पिटल्स और होटल डेवलप किए जाएंगे वहीं रिटेल आउटलेट और एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। इस सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2019 में की गई थी और पिछले साल सितंबर महीने में इसके फेज वन के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं। फिलहाल फेज वन का वर्क भी शुरू हो चुका है जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस शामिल है। इस प्रोजेक्ट के फेज वन की कॉस्ट 940 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का प्लान है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है वाधवान पोर्ट। जहां एक तरफ भारत में मॉडर्न सिटी बनाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वाधवान पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट की खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने जा रहा है और ये पोर्ट भारत के राज्य महाराष्ट्र में पालघर जिले में बनाया जाना है जिसकी कुल लागत तकरीबन 76,200 करोड़ बताई जा रही है।
बनने के बाद ये पोर्ट भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा और इसकी कैपेसिटी 298 मिलियन टन होगी। दोस्तों वाधवान पोर्ट को 24.5 मिलियन 24 इक्विवेलेंट यूनिट पर ईयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ होने वाले हैं, जिसमें से हर एक बर्थ की लंबाई 250 मीटर की होगी। इसके अलावा 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल है। दोस्तों देश की बढ़ती इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए बड़े कंटेनर वेजल को ट्रेड करने के लिए सरकार इस वाधवान पोर्ट को डेवलप करने जा रही है, ताकि वाधवान पोर्ट द्वारा देश के कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को पूरा किया जा सके। इस पोर्ट के बनने के बाद कोल, सीमेंट, केमिकल्स और ऑयल जैसे गुड्स का हर साल 132 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा और इसके साथ ही भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट वाले देशों की सूची में भी शामिल हो जाएगा। अब नंबर 4, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। दोस्तों जिस तरह भारत में मेड इन इंडिया पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाई गई थी, उसी प्रकार अब भारत मेड इन इंडिया वंदे भारत बुलेट ट्रेन पर भी वर्क कर रहा है, जिसको लेकर काफी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल बात यह है, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के अनुसार भारत ने एक ऐसी ट्रेन के लिए डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया है जो 250 किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड पर चलाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो पहले से ही 220 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकती हो। इस हाई स्पीड ट्रेन की डिजाइन वर्तमान में भारतीय रेलवे के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डेवलप किए जा रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, भारत में बनाई जाने वाली ये बुलेट ट्रेनें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कॉरिडोर पर चलेंगी और इसके लिए जो नए कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय तकनीक और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का यूज किया जाएगा। वही बात करें भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की, तो वर्तमान भारत बुलेट ट्रेनों के लिए जापानी तकनीक पर निर्भर है, जो अहमदाबाद से मुंबई लाइन पर ऑपरेट होगी। फिलहाल ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2026 तक इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आपको भी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के साथ ही भारत में काफी सारे नए नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल से जोड़ रहा है, जो एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई है 610 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की मदद से न सिर्फ दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6-7 घंटे कम हो सकेगा। ये एक्सप्रेसवे भारत के जिन राज्यों से होकर गुजर रहा है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। अगर हम इसके रूट अलाइनमेंट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एंड होगा, जहां ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर, झारखंड में 187 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। आपको बता दें 23 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी गई थी, जिसे 35,000 करोड़ की लागत से कम्प्लीट किया जा रहा है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इसे पूरी तरह से 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टूरिज्म, कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब नंबर 2 पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ शहरों को जोड़ रहा है। ये रैपिड एक्स प्रोजेक्ट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जो प्लान किए गए 4 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, जो दिल्ली से मेरठ तक का सफर 60 मिनट से भी कम समय में पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां वर्तमान में ये रैपिड रेल आंशिक रूप से ऑपरेशन हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत रैपिड रेल प्रायोरिटी कॉरिडोर में शुरू की गई, जो साहिबाबाद से दुआई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर है और इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था, जबकि 6 मार्च 2024 को ये रैपिड रेल दुहाई डिपो से मोदीपुरम नॉर्थ तक एक्सटेंड की गई। कुल मिलाकर ये रैपिड रेल कॉरिडोर वर्तमान में 34 किलोमीटर लंबे रूट में ऑपरेशन हो चुकी है, जबकि बाकी का रूट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे पूरी तरह से जून 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है।
फाइनली अब बात करते हैं नंबर वन प्रोजेक्ट की। तो नंबर वन पर है USBRL प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत के पहली सेमी हाई स्पीड रेल के साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट पर भी वर्क चल रहा है, जिसका नाम है USBRL प्रोजेक्ट, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में डेवलप किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जहां इस रेल लिंक प्रोजेक्ट की लंबाई 272 किलोमीटर की है। इसमें से 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला स्ट्रेच साल 2009 में कमीशन हो चुका है। 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड स्ट्रेच साल 2013 में कमीशन हो चुका है और 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा स्ट्रेच साल 2014 में कमीशन हो चुका है, जबकि वर्तमान में 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनियान वाले स्टेज पर वर्क चल रहा है, जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट की खास बातों पर गौर करें तो इस प्रोजेक्ट में भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मौजूद है और 1315 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज यानी कि अंजी खाद ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी खास हो जाता है। तो दोस्तों ये है भारत के वो 10 प्रोजेक्ट जिनके कम्प्लीट हो जाने से भारत में ट्रेड, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सकेगा। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है कमेंट में उसका नाम लिखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें स्टेडियम भी है, USBRL भी है, कोस्टल रोड भी है और भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर जो था दुनिया का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल, उस पर मुझे लगता है रिएक्शन अलग होना चाहिए। वैसे मैं कम्प्लीट नहीं ना होगा, आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कम्प्लीट हो गया, ये बात कह रहा कभी कभी काम चालू है नोएडा का। हमने पिछले दिनों किया था लखनऊ का, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल उसी तरह कमाल का यार था। अच्छा खैर, अब ये अगर हुआ इस पर देखेंगे, वीडियो अगर है कुछ इसका एरिया बन गया, ये बन गया होगा, इस पर एक्शन जरूर होगा हमारा। अच्छा सबसे ज्यादा मैं वो पहले कर चुका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जितनी बड़ी प्रोजेक्ट था 10,500 करोड़, एक तो यार इनके पास पैसा है, तुम्हें पता बहुत है। तो प्रोजेक्ट्स कैसे पैसों से बनते हैं, लगते हैं, ऐसे ही बात है। अच्छा सबसे ज़्यादा एक ये अहम था और मुझे जो अहम लगा खूबसूरत तो वो नोएडा वाला ही था, लेकिन जो सबसे अहम लगा वो था भाई USBRL बारामूला उधमपुर आई थिंक उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक रोड, आई थिंक यही इसकी एब्रीवेशन है। तो इंडिया में काफी 272 किलोमीटर बहुत ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स है ना उन्होंने लॉन्च किए, कुछ जो है ऐसे भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ जो जैसे रहमतुल्ला भाई कहता है कि ये सारा कुछ तो पैसे की वजह से होता है, और इंडिया के पास जब वो पैसे का नाम लेता है ना तो वो कहता है कि इंडिया के पास यार इतना पैसा आ से कहाँ जाता है। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी इकानमी है उनकी, बहुत ज़्यादा हर लिहाज से वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो मेक इन इंडिया जो है उस पर ज़्यादा उनका फोकस है और कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक, वो इस पर अबूर भी हासिल कर चुके हैं। तो ये सारा कुछ दे के तभी भाई उन्होंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। और पीएम मोदी साहब अभी तो कल उनकी मैंने वीडियो देखी है, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम और ज़्यादा जो है ना मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। उनके अंदर भी प्यास है, ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, तड़प है, तो इसी वजह से वो लोगों ने उनको सिलेक्ट भी किया। ठीक है। अच्छा USBRL की मैं बात कर रहा था, USBRL में वो भाई भी दिखा रहा था दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज 1315 मीटर ऊँचा, बुर्ज खलीफा आई थिंक 828 मीटर ऊंचा है बुर्ज खलीफा में सतह जमीन से, और ये 1315 मीटर ऊंचा, इतना ऊंचा सोचो इस पर कितनी लागत आई होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना स्टील, कितना और कितना बड़ा ये शाहकार है भाई इंडियन के प्रोजेक्ट्स का और इंडियन के इंजीनियर्स का, इंडियन भी इंजीनियर्स हो गए, दूसरे फॉरन इंजीनियर्स भी हो गए, बहुत बड़ा शाहकार है भाई।
यकीन कर दे। हमारे इधर तो जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं वो एक रोड पक्का बना देना तो 500 साल जो है ना वही पीटते रहते हैं कि हमने भाई फलां रोड जो है ना वो आपके इलाके में पक्का बना दिया, बहुत अच्छा बनाया, आप वोट जो है ना अगली दफा वही ये होता है, ऐसे होता है। मैं कहता हूँ हुक्मरान वो होता है जो अच्छा करके वो गिनवाए ना, लोगों को बताए ना, क्योंकि लोगों को खुद पता होता है कि इसने कौन अच्छा किया। आपने बात की एक काम करते हैं 5-7 लोग गिनवाते रहते हैं, रिसेंटली हमारे ना गाँव के जो साथ लिंक रोड है वो जो हमारे मेन रोड से जुड़ता है, इधर से हमारा सेना रोड मिलता है 1 किलोमीटर इधर दूर है, इधर से 1 किलोमीटर दूर हमारा जड़ावड़, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंटर में, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सेमी अर्बन एरिया में, हमारे पास, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हमारे पास शहर वाली फैसिलिटीज़ भी हैं और गाँव वाली भी फैसिलिटीज़, गाँव का गाँव है, शहर का शहर है, कोई इशू नहीं। और कारपेट रोड है, ये भी आप कारपेट रोड है, बड़ा शानदार रोड है, गाड़ी चले तो इस तरह जैसे बड़े किसी हाईवे पर चल रही है, किसी मतलब मोटरवे पर चल रही है, इतना शानदार रोड है। तो बात में कह रहा था कि वो बनवाया था मियाँ कासम फरूक ने, जो नून लीग का कैंडिडेट है, इस दफ़ा वो उसका कैंडिडेट वो आया, उसने आते सार ही ये गिनवाया कि भाई देखो तो यही बात है ना, मैंने वो आपको रोड दिया था तो इसलिए अब तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे वोट दें, ये बकायदा उसने अपने जल से मैं याद दिलवाया। तो भाई मैंने ये सारा कुछ सुना हुआ है, देखा हुआ है, तभी तो मैंने कहा है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो ज्यादा थोड़ा सा भी काम कर दें ना, हमारे चले गांव में ही कर दें, जैसे वो सड़क भाई ने कहा है कि बनाई है तो फिर वो आते ही यही कहेंगे। अच्छा असलम भाई, USBR के अंदर एक तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज ये शाहकार, दूसरा भारत की सबसे बड़ी टनल, और ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर यानी बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर, ये सब को जोड़ रहा 200 तो मेरे ख्याल में ये बड़ा शानदार इनका लिंक है, यानी कि कश्मीर को इंडिया के बाकी तमाम रेलवे से जोड़ना ये एक उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब वो अभी कट ऑफ ना रहा है इंडिया से, वो भी इंडिया का हिस्सा कर लिया है उनको भाई के उसको साथ इंडिया के जोड़ेंगे अब सारा कुछ, जो जैसे डेवलपमेंट वहाँ पे इंडिया में पूरे में करवा रहे हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी करवा रहे हैं। जयपुर स्टेडियम, क्रिकेट की बात आई तो दुनिया का आई थिंक क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो आप जानते हैं गुजरात में, उसमें तो मेरा ख्याल में 1.25 लाख या इससे भी ऊपर लोग, लाख से ऊपर है, इतना ज़रूर है कि लोग उसमें बैठ सकते हैं, गुंजाइश है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इसमें भी कम नहीं है, वो इंडिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है ये उधमपुर, जयपुर सॉरी उधमपुर निकल गया जयपुर, इसमें 75,000 लोग बैठने की कैपेसिटी है, 75,000 भाई हमारे यहाँ एक स्टेडियम है कि बाहर स्टेडियम, इधर तो हमने कभी कोई मैच देखा नहीं, इधर बहुत कम होता है, रेल होता ज्यादा जो होते हैं ना पुलिस कांस्टेबल की भर्ती वगैरह होती है, उसके पेपर वगैरह जो है वो यहीं पे होते हैं और मैच वगैरह बहुत ही कम होते हैं। अलग है हॉकी स्टेडियम भी यहाँ पे बना हुआ है, जिंदगी में सिर्फ एक दफा वहाँ पे मैच मैंने देखा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई मैच। अच्छा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो फ्रीट इस तरह का नाम है कॉरिडोर था, जिसकी लागत 1,24,000 करोड़ यानी करोड़ लगाए, फिर 1,24,000 करोड़ उसके साथ 5-7 साल लगाए सिफर है, तो सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है, तो वो बना रहे खैर बड़े शानदार प्रोजेक्ट से, बेस्ट ऑफ लक आ रहा है आपके लिए, मिलते हैं नई वीडियो में मैडम साथ, गॉड ब्लेस यू।